आइए और जानकारी लेते हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, जब बेटी स्कूल कॉलेज जाती हैं तो उन पर पत्तियाँ कसी जाती हैं, गलत आर्गुमेंट किए जाते हैं, उसके बावजूद ये लड़कियाँ, ये स्टूडेंट, ये विद्यार्थी अपनी शिकायत करते हैं, तो जिन लोगों से शिकायत की जाती है तो उनको एक बाउंडेशन दी जाती है कि आप क्यों निकलते हो इस काम के लिए, तो वो क्या करें, तो आइए हम जानकारी लेते हैं। मैडम आपका नाम? रितिका ठाकुर। तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ रही हैं? मैं अभी हिंदू कॉलेज में पढ़ रही हूँ, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर? आप ये जंतर मंतर पे आई हैं, तो आप किन मांगों को लेके आई हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो BHU में सब हो रहा है, ये सिर्फ अभी पहली बार BHU में नहीं हो रहा, ये पूरा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लंबे समय से ये पूरा एक आंदोलन चल रहा है जहाँ पे लड़कियाँ इस सबकी डिमांड कर रही हैं कि देखिए, जो भी आपका ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का पूरा मुद्दे है, आप इनको लेके कमेटीज़ बनाइए। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई भी तरह के कमेटीज़ नहीं है ऐसी, जहाँ पे UGC की गाइडलाइंस आने के बाद बोलती हैं कि आपको ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेजेस के अंदर जाके देखेंगे तो इन कमेटीज़ को बनाने के बजाय इनको स्क्वैश किया जा रहा है। जैसे भी हम JNU का केस देखते हैं तो कैसे GS कैश को भी पूरी तरह से एक उनको उसको ब्रेक करने का एक आंदोलन चल रहा है। और देखिए, मतलब ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ BHU को अटैक करने का वो नहीं है, ये जो पितृसत्तात्मक लोग हैं, जो लोग एक्चुअल में चाह रहे हैं कि लोग आज इनके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, ये लोग हर तरह से मूवमेंट को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और विमेन स्टूडेंट्स का तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी एक सिचुएशन है उसको लेके जो भी लोग बात कर रहे हैं, उनको लेके कुछ भी तरह का प्रशासन उनकी तरफ इस तरह का एक रवैया बना लेती है कि उनको, उनकी वॉइस को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। और जैसे कि BHU में अभी ये इतना मारपीट कर रहे हैं लड़कियों को, तो लड़कियों का तो क्या मुद्दा था? लड़कियाँ तो बोल रहे थे कि हमारे अगर हमको विक्टम ब्लेमिंग का जो आप कर रहे हैं, हमको आप विक्टम ब्लेम कर रहे हैं, जबकि हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ मोलेस्टेशन हुई है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, आप हमको ही विक्टम ब्लेमिंग कर रहे हैं। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पे मतलब लड़की आवाज़ उठा रही है तो आप उसको विक्टम ब्लेम करके चुप करा दीजिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो BHU के साथ ही है वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे और हम लोग भी उनके साथ हैं। लेकिन एक तरफ ये UP सरकार ने एंटी रोमियो की बात करी थी, लड़की लड़के जहाँ भी एक साथ बैठे हैं उनको बंद कर देते मारने की बात करते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह का जो ये पूरा एक एंटी रोमियो और ये सब जो चला था, इसको तो हम पूरी तरह से कंडेम कर ही रहे हैं कि आप किस तरह की सोच के साथ, आप मतलब आप बोल रहे हैं कि आप एक तरह से बोल रहे हैं कि हम लड़कियों को प्रोटेक्शन करेंगे। देखिए, लड़कियों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लाइए, आप हमारे कोई वो नहीं है कि आप हम लोगों को रक्षा देंगे, आपको रक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका पूरा रक्षा का एक स्ट्रक्चर आपने बना दिया है कि ये औरत है इसको रक्षा की ज़रूरत है, इसको रक्षा की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक प्रॉपर कंप्लेंट्स कमेटी बनाएंगे तो कोई भी लड़की अपना ये पूरा जो भी मुद्दा है वो लेके जा सकती है वहाँ पे। और ये जो सरकारें हैं जो एंटी रोमियो की बात कर रहे हैं और फिर एक तरफ से बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, तो इस तरह की चीज़ें तो पूरी कंडेम करने के लिए ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनली तो ये पूरा सरकार मिलके हम लोगों को पूरी तरह से हमारे हर एक मूवमेंट को कंटेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन आप अपने आप को ये सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सुरक्षा के मैंने जैसे सुरक्षा के बारे में बोला कि यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि आप हमको सुरक्षा दीजिए, आपको हमको किसी को बचाने की ज़रूरत नहीं है। वुमेन है पूरा यूनिवर्सिटीज़ का, वो अपना रक्षा खुद करेंगी, लेकिन आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है जो आपने बना दिया है, जहाँ पे आप कोई भी तरह की कमेटी को ढंग से नहीं चला रहे हैं, या फिर जहाँ पे आप एकदम एक पेट्रियार्कल दिमाग लेके चल रहे हैं कि औरत को 6 बजे आप बंद कर दीजिए, आप इन सब स्ट्रक्चर्स को पहले तोड़िए, फिर बाद में आप जाके स्ट्रक्चर्स की बात कीजिए। जहाँ पे आप इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे वुमेन हॉस्टल के बाहर आप लाइट नहीं लगाते लेकिन बोलते हैं कि आप 9 बजे के बाद 6 बजे के बाद अंदर चले जाइए, तो मतलब किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं ये? आपको जब UGC भी इतना बड़ा गाइडलाइन लिख के दे रहा है पूरा जेंडर उस पर, कि बोल रहा है कि देखिए आप किसी भी तरह से वुमेन मूवमेंट को कर्टेल नहीं कर सकते, लेकिन अभी देखिए जब औरतें सड़कों पर उतरती हैं तो किस तरह से ये लोग वुमेन को बोलते हैं कि देखिए ये तो हमारा कल्चर है, या किस तरह का कल्चर है। तो इस तरह के कल्चर्स को तो हम किस तरह से एक्सेप्ट करें, जो हमको एक तरह से हमारे को ही अंदर बंद कर रहा है, उस तरह के कल्चर को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का किसी भी प्रशासन में हो, कहीं भी इस तरह का प्रशासनिक जो भी मतलब रवैया है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आम स्टूडेंट से आप क्या अपील करेंगे? तो आम स्टूडेंट से मेरा यही अपील है कि आप लोग सड़कों पे उतरिए, देखिए इस सब चीज़ के लिए, क्योंकि ये अभी का सिर्फ यहाँ का मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ BHU का केस नहीं है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी जानते हैं, ये JNU के भी स्टूडेंट भी जानते हैं कि किस तरह से हर जगह पे अटैक करने का कोशिश किया जा रहा है। तो अभी ये एक पर्टिकुलर टाइम है, यहाँ पे हम लोग को उतर के बोलना पड़ेगा, सारी यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियों को भी बोलना पड़ेगा कि देखिए जिस तरह से आप विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, हम ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं चलेगा।